नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत। दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर सेना की बड़ी कामयाबी, मारा गया आतंकियों का गाइड हाजी आरिफ। जी हां, टॉप कमांडर है ये आतंकी, बता रहा था आतंकियों को पल पल की जानकारी। दूसरी बड़ी अपडेट, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के फिर से बिगड़े बोल, कहा लिपु लेख और काला पानी और लिंपू अधूरा को लेकर रहेंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओमिक्रॉन वेरियंट। जी हाँ, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, काफी खतरनाक। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई आपात बैठक, किया समीक्षा। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, सऊदी ने पाकिस्तान का उड़ाया मजाक, वादा करके भी झोली में नहीं डाले पैसे, कंगाल देश को कैसे चलाएगा इमरान। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पे पाकिस्तान पर 50 लाख करोड़ का कर्ज, इमरान सरकार में 70% बढ़ोतरी, खुद को बेचकर भी नहीं चुका सकता है उधार। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। और इस बीच आपको बता दें, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, जहां पे पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर सेना को बड़ी कामयाबी, मारा गया आतंकियों का गाइड हाजी आरिफ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों में से एक गाइड हाजी आरिफ को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पास मार गिराया है। बताया जा रहा है कि हाजी आरिफ के दो साथियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी जारी है। जानकारी के मुताबिक हाजी आरिफ लश्कर के आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाता था। बताया जा रहा है कि हाजी आरिफ पहले पाकिस्तानी फौज में ही था, लेकिन आतंकी तंजीमों के साथ उनके संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान प्रशासन ने उसे सीमा के पास ही जमीन दे दी थी और उसे पाकिस्तान के धरकुंडी खुरैटा सेक्टर का लॉन्च पैड कमांडर भी बना दिया गया था। दोस्तों, सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया है कि सेना के सतर्क जवानों ने गुरुवार देर रात बिंगर गली के अग्रिम इलाके में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश का पता लगाया, जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। प्रवक्ता ने बताया है कि आतंकवादी के शव के साथ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो ये भारत को बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरगना है और कमांडर है। हम चलते हैं एक और अपडेट, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के बिगड़े बोल, कहा वार्ता के जरिए भारत से वापस ले लिपु लेख, काला पानी और लिंपी अधूरा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल CPL UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने भारत से सीमा विवाद पर विवादित बयान दिया। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वो भारत से लिपु लेख, काला पानी और लिंपी अधूरा के क्षेत्र को वार्ता के जरिए वापस ले लेंगे। लिपु लेख दर्रा काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु पर स्थित है और ये नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपने क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में दावा करते हैं। भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में इस पर दावा करता है। काठमांडू से 160 किलोमीटर दक्षिण में चितवन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 10वें आम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओली ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो वो भारत से बातचीत के माध्यम से लिंपू अधूरा, काला पानी और लिपु लेख जैसे विवादित क्षेत्र को वापस लेगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये चीज़ें और ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है नेपाली PM का, वो अपने आप में काफ़ी विवादित है। एक और अपडेट, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच अधिकारियों के साथ PM मोदी की बैठक, कोरोना टीकाकरण की कर रहे हैं समीक्षा। दोस्तों, कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार PK मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में PM मोदी देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा करेंगे और टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए कुछ भी जरूरी निर्देश दे सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट के बीच कई देशों ने अपने अपने देशों की हवाई उड़ानों को फिर से प्रतिबंधित कर दिया है। इसी बीच भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और नए वेरिएंट के खतरे के बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका देश में आने वाले यात्रियों का गहन परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। एक और अपडेट, सऊदी अरब ने बनाया पाकिस्तान का मजाक, वादा करके भी झोली में नहीं डाले पैसे, कंगाल देश को कैसे चलाएंगे इमरान। दोस्तों,
बढ़ते विदेशी खर्च के कारण पाकिस्तान सरकार के पास अब देश चलाने तक को पैसा नहीं बचा है। यह बात खुद इस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही है। देश की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती दिख रही है। हर बार पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालने वाला सऊदी अरब भी अपने हाथों हाथ पीछे खींच रहा है। हाल ही में पीएम इमरान खान इस उम्मीद के साथ सऊदी अरब गए थे कि उन्हें $3 अरब की रकम मिल जाएगी। उनके दौरे के तुरंत बाद सऊदी अरब की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में पैसा जमा कर रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को ये रकम नहीं मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान ने लगभग $1.5 अरब का तेल भी उधार मांगा था, जो उसे नहीं दिया गया। सरकार का मजाक बनता देख पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि शायद एक हफ्ते प्रिंस मोहम्मद। अगली अपडेट, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच शांति के लिए एक बार फिर से आगे आया रूस। पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को बातचीत के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं की मेजबानी की है। उनने नारगोनो काराबाग के अलगाववादी क्षेत्रों में लड़ाई समाप्त करने वाले मास्को की मध्यस्थता वाले शांति समझौते की पहली वर्षगांठ के अवसर पर नेताओं से मुलाकात की। दक्षिणी शहर सोची में पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की है, और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान से भी मुलाकात की है। दोस्तों आपको बता दें, लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करके मसले के हल का कहीं ना कहीं रशिया मध्यस्थता कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे और टकराहट ना हो। हम चलते हैं एक और अपडेट, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने आतंकी हमले पीड़ितों को किया याद। बोले 13 साल हो गए हैं, अब तक नहीं मिला न्याय। दोस्तों मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ कुछ नेताओं ने भारत के लिए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने 2008 में पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के अपराधियों के तुरंत टेस्ट की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्लिंकन ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा है कि मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले को 13 साल बीत चुके हैं। आज की बरसी पर हम 6 अमेरिकियों सहित पीड़ितों और मुंबईकरों के उन पलों को याद करते हैं, लेकिन अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। यहाँ भारतीय दूतावास ने 26/11 के मुंबई हमले की 13वीं बरसी को चिन्हित करने के लिए अपने परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें जेनिफर लॉसन, उप सहायक सचिव ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स स्टेट डिपार्टमेंट, रब्बी लेवी, सेम टो अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ लुबिचिंज के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एलन मस्क की कंपनी भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने की कर रही कोशिश में केंद्र सरकार ने जारी की वार्निंग। दोस्तों केंद्र सरकार ने शुक्रवार कहा है कि एलन मस्क द्वारा स्थापित स्पेस एक्स की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम स्टारलिंक को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं की पेशकश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है, और आम लोगों को कंपनी द्वारा ली जाने वाली सेवाओं को सब्सक्राइब करने नहीं करने की सलाह दी है, जो फिलहाल प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग DOT ने कहा है कि स्टारलिंक के पास देश में उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी कंपनी के लिए अनिवार्य लाइसेंस नहीं है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सर्विसेज की पेशकश करने का लाइसेंस नहीं है, जिनका विज्ञापन जनता के लिए किया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, गगनयान मिशन अगले साल होगा शुरू। जनवरी में रवाना होंगी उड़ानें, समंदर खंगालने के लिए भी तैयार भारत। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गगनयान मिशन में के तहत 2 मानव रहित उड़ानें अगले साल जनवरी में रवाना होंगी। वहीं इंडियन क्रू को ले जाने वाली तीसरी उड़ान 2023 में रवाना होगी। भारत की पहली भारतीय क्रू को ले जाने वाली उड़ान आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अगले साल 15 अगस्त को ले जाने की वाली थी, और इसका ऐलान प्रधानमंत्री ने साल 2018 में किया था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते सब सिस्टम के निर्माण और ट्रायल में देरी हुई। इसके साथ ही क्रू की ट्रेनिंग भी प्रभावित हुई है, जिसके चलते मिशन लेट हो गया है। जितेंद्र सिंह अब ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि माननीय उड़ान अब देश के गहरे मंदर के मिशन के साथ मेल खाए हैं। तो दोस्तों लगातार जो है इसरो से लेकर DRDO तक ने अपनी छाप छोड़ी हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अपने मुंह ही मिट्ठू मियां बन रहा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, खुद को दिलवाया महान हस्ती का दर्जा, ड्रैगन का खतरा बढ़ा। दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP ने अपने 100 वर्षों के अस्तित्व में केवल तीसरी बार इतिहास
विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को महान हस्ती का दर्जा दिया गया। उनके आदेश का पालन करना प्रत्येक कार्यकर्ता और देशव्यापी देशवासी का कर्तव्य घोषित किया गया। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का 2/3 हिस्सा भी उपलब्धियों के गुणगान पर केंद्रित है। इसमें सर्वाधिक 22 बार सी का उल्लेख हुआ है और इसकी तुलना में चीनी कम्युनिस्ट दिग्गज माओ सुंग का 18 बार और देश देंग सियोंग पत्र का मात्र 6 बार ही उल्लेख है। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, वाशिंगटन बीजिंग के हवाई अड्डे से ज़्यादा बड़ा होगा। जेवर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्षेत्रफल में दुनिया में 4th स्थान। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के बारे में हमने आपको तो पहले ही बता दिया है और इस बीच विश्व का 4th और एशिया का 2रा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। और ये हवाई अड्डा कहीं ना कहीं चाइना के मुंह पे भी करारा तमाचा होगा, क्योंकि दोस्तों एशिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। और इस बीच आपको बता दें, आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये 776 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद अमेरिका के 2 एयरपोर्ट का नंबर आता है, जिनका क्षेत्रफल 137 और 70 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 4th स्थान पर जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। पूरी तरीके से विकसित होने के बाद इसका क्षेत्रफल 58 वर्ग किलोमीटर होगा। तो दोस्तों, ये हालात है। फिलहाल बड़ी खबरों की तरह ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।